बांग्लादेश के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट खिलाड़ियों के साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम की कई खामियां सामने आई हैं। फैंस और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वे अपनी टीम को ही सर्कस तक कह रहे हैं। यहां तक कि कप्तान भी खुलेआम अपनी टीम की पोल खोल रहे हैं और साथ ही में बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर से जा सकती है, ये खबरें सामने आ रही हैं। कप्तान शान मसूद ने सीरीज के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिछले 1.5 साल में उनके खिलाड़ियों ने ना तो कोई टेस्ट मैच खेला है और ना ही कोई फर्स्ट क्लास मुकाबला। हालांकि आपको बता दें 2023 के दिसंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसे 1 साल से कम का समय ही बीता है। पाकिस्तान को अब इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, मगर पीसीबी अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा है। इस सिलसिले में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर अराफात ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान को 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के सामने 3 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलनी है और इससे पहले बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जगह अपने खिलाड़ियों के लिए वनडे टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इन फैसलों को देखते हुए यासिर अराफात ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस तो उनमें काम करने वाले लोगों को जोकर तक बताया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर अराफात ने अपने बयान में कहा, अभी भी आप देख लें, आपकी ये सीरीज खत्म हो रही है, इतने ग्रे एरियाज आपके हाईलाइट हुए हैं कि आप में फिटनेस की समस्या है, टेक्निकल इशू है, पिच और ग्राउंड की भी छोटी छोटी चीजें हैं। आज मैंने सुना जेसन गिलेस्पी, जो कि टीम के कोच हैं, वो वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और उसके बाद आप वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इस तरह के फैसलों को देखकर मुझे कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सर्कस की तरह लगता है। उसमें जोकर्स जोक होते हैं और ये जोक है कि आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ और आप वनडे टूर्नामेंट में प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं और उन्हें वनडे खिला रहे हैं। एक तरफ शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि प्लेयर्स ने 1.5 साल से टेस्ट या फर्स्ट मैच नहीं खेला है और अब आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने सीरीज खेलने जा रहे हैं तो अपनी टीम को वनडे क्यों खिला रहे हैं। तो मुझे ये सर्कस लगता है और इसमें जो काम करते हैं वो लोग जोकर लगते हैं और उनके फैसले जोक लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि अब बाबर आजम की कप्तानी भी जाने वाली है। इससे पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने खुद कप्तानी से इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर शाहिद शाह अफरीदी की बेकार कप्तानी को देखते हुए एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तानी थमाई गई थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने USA जैसी टीम से भी मुकाबला हार लिया था। इसके बाद अब ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि बाबर आजम से व्हाइट बॉल सीरीज की कप्तानी वापस ले ली जाए और ऐसे में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नए कप्तान बनाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा बुरा हाल होना ये बताता है कि जो यासिर अराफात का बयान है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस समय पर एक सर्कस से कम नहीं, वो कहीं ना कहीं ठीक नजर आता है।